नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। बॉलीवुड के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर अंकित तिवारी अपने म्यूजिक चैनल मिस्ट म्यूजिक के लॉन्चिंग पर लखनऊ के फिनिक्स प्लासियो मॉल पहुंचे, जहां उनके साथ कई कलाकार भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शाहरुख और दीपिका के बेशर्म गाने की कंट्रोवर्सी के मामले में अंकित तिवारी ने कहा कि कोई भी ट्रेंड एक मूड जैसा होता है। बॉयकॉट ट्रेंड भी कुछ ऐसा ही है। हर आदमी अपने मन का मालिक है, कलाकार वही करेगा जो उसका मन होगा। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बॉलीवुड के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर अंकित तिवारी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। बॉलीवुड के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर अंकित तिवारी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। पहले बात तो ये कि मिस्ट म्यूजिक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मैं मुस्कुरा ही रहा हूँ सुबह से। मिस्ट म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए। मिस्ट म्यूजिक एक म्यूजिक लेबल है जिसको मैंने और अंशु जी ने मिलकर लॉन्च किया है। 15 तारीख को लॉन्च हुआ है। अभी 2 दिन पहले 0 सब्सक्राइबर के साथ लॉन्च किया। आज 13,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 4 गाने लॉन्च किए हैं, जिसमें से 2 गाने मिलियन प्लस टच किए हैं। और हमने अभी अभी दूसरे दिन पे हम लोग खड़े हैं। और मतलब ये देख के काफ़ी, आप जब ऐसे रिजल्ट्स देखते हो तो आपको काफ़ी खुशी होती है। तो ये खुशी ताकत में बदलती है और ताकत ये कहती है कि अभी हम और काम करेंगे और शिद्दत के साथ काम करेंगे। तो मिस म्यूज़िक आर्टिस्ट का चैनल है। मैं हमेशा हर बार यही बोल रहा हूँ कि ये आर्टिस्ट के लिए है। मतलब मैं कोलैबोरेशन भी इसमें होंगे और मैं बहुतों के साथ काम करने वाला हूँ उसमें। मैं ऐसे टैलेंट के साथ काम करूँगा फॉर श्योर जिसको कोई नहीं जानता होगा, जिसका नाम भी नहीं सुना होगा। वो सिंगर भी हो सकता है, वो लिरिसिस्ट भी हो सकता है, वो शायद कोई मतलब स्क्रीन पे दिखने वाला हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो ये ऐसा चैनल है। कानपुर से बिलोंग करते हैं आप, कानपुर की छोटी गलियों से निकल कर मुंबई में जाके अपना नाम बनाना, बॉलीवुड में अपना नाम बनाना, और जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं फ्लैशबैक में, तो क्या चीज़ जो है मिस करते हैं? मिस तो बहुत कुछ करते हैं यार। मतलब मैं अपना शहर ही मिस करता हूँ, घर मिस करता हूँ, वो वक्त मिस करता हूँ, लोगों को मिस। बहुत लोग छोड़ के चले गए हैं, हमारे कुछ खुद के रिश्ते मेरी, मतलब अब उस पर क्या बोलना। तो मिस तो बहुत कुछ करता हूँ। अगर आँखें बंद करूँगा याद आएगा तो ऐसा लगेगा कि वो टाइम बहुत अच्छा था यार, बचपन, जिसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता था, हमारी पूरी हेडेक मम्मी पापा लेते थे। लेकिन फिर ये सोचता हूँ ये समय है, टाइम है, और ये भी टाइम मेरा ख़राब नहीं है, ये भी टाइम अच्छा है यार। खुद आज, कल तक छोटे थे, आज मैं खुद एक, मेरी 4 साल की बेटी है, मैं खुद पापा बन चुका हूँ। तो ये जर्नी है, ये तो मतलब चलती जाएगी। आपने तेरी गलियाँ, सनम तेरी कसम जैसे बेहतरीन जो है गाने गाए हैं, तो अगला रोमांटिक सॉन्ग जो है बड़ा वाला हिट कब देने वाला? नेक्स्ट, अब ये नहीं पता बड़ा या छोटा, वो आप लोग बताओगे, बस नेक्स्ट मंथ रोमांटिक गाना आ रहा है। जैसे गाना होता है, गानों का कोई रंग नहीं होता, आजकल पठान मूवी को लेके, गाने को लेके सवाल मुझसे बहुत लोग पूछ चुके हैं। मैं एक बार मैं क्या जवाब दूं यार, क्योंकि आप सिंगर हैं, आप मैंने हैं, मैं ये जब पठान का जब भी आ रहा है, कलाकार के तौर पे आपकी क्या सोच है इस पे? मेरी कलाकार के तौर पे सिर्फ यही सोच है कि ये जो ट्रेंड वर्ड हम यूज करते हैं, ट्रेंड मूड होता है। आज मेरा मूड ये है पहनने का, तो मैंने ये पहना हुआ है। कल को ट्रेंड में कुछ और आ जाएगा तो मैं वो पहनूंगा। तो ये एक मूड है जो कि चल रहा है। एज ए आर्टिस्ट मैं या और जो भी हैं, हम करना या कोशिश करना तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यार हम यही करते हैं, हमारा ये काम है। ये मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि यार कि मतलब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिलहाल हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।